हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत समय के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। हाँ जी, घर पर बच्चे थे, समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगी, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं समय पे वीडियो नहीं डाल पाई। आप देखिए, आजकल बहुत गर्मी है और इस भरी गर्मी में हम सबको लस्सी पीना बहुत पसंद होता है। शरीर को तो राहत पहुँचाती ही है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी काफ़ी होती है। बाज़ार में ये कई फ्लेवर में मिलती है, उन्हीं में से 6 फ्लेवर में लस्सी आज हम यहाँ पर तैयार करेंगे। और जो फ्लेवर आपको पसंद है, उस फ्लेवर में आप झटपट घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देर नहीं करते। तो आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई बाय पूनम में। सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेन लस्सी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले दही लिया है। दही मैंने 1 लीटर लिया है, क्योंकि 6 तरीके की हम लस्सी तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हमें अच्छा गाढ़ा दही लेना होता है। और कोशिश करिएगा दही खट्टी ना हो। और देखिए, दही को हम अच्छे से यहाँ पर मथ लेंगे। विस्कर की सहायता से मैं यहाँ इसको मथ रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्पून से, चाहें तो दूसरे यूटेंसिल से भी अच्छे से मथ के बिल्कुल इसको प्लेन करना होता है, और पानी ज़्यादा नहीं मिलाना होता। तो देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गया। तो प्लेन सबसे पहले उसी दही में से मैं 1 कप, इस कप से 1 कप दही ले लूँगी। जितना गिलास का हमारा मेजरमेंट हमें लेना है, तो 1 गिलास के लिए 1 कप काफ़ी रहेगा। तो देखिए, यहाँ मैंने प्लेन दही ले लिया है, और इस पे मैंने चीनी जो ग्राइंड कर ली है उसका पाउडर तैयार किया है। 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास के लिए काफ़ी है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर ये डाल देंगे। इससे इलायची ऑप्शनल है, लेकिन इसे फ्लेवर अच्छा आता है। और दही हमें बिल्कुल चिल ठंडी लेनी है, जिससे हमारी लस्सी गर्मी के मौसम में ठंडी बनेगी। यहाँ पर मैं आपको अभी यहाँ पर आइस के साथ भी दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 क्यूब आइस डाल दिया है, और ऊपर से ये लस्सी जो हमने मथी थी इसको इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो सिंपली घर पे अक्सर सभी के घर में ये बनती है, और ये फ्लेवर में तो अच्छी होती ही है, साथ में झटपट तैयार हो जाती है। आप देखिए, ऊपर से थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर काजू कह सकते हैं काट के डाल दिए हैं, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। तो देखिए, इस तरीके से हमारी आज एक प्लेन लस्सी, जो सिंपली सभी घर में बनाई जाती है, बनकर तैयार हुई। और अब देखिए, अब मैं आपको दूसरी लस्सी बनाना यहाँ पर बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको बनाना डालेंगे। बनाना लस्सी बना रहे हैं तो बनाना जार डालेंगे। तो 1 बनाना लिया है 1 गिलास के लिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें काजू है, अखरोट है, और थोड़ा सा बादाम, और बाद में थोड़ा सा मैंने चुटकी भर इलायची पाउडर, और 1 कप यहाँ पर भी जो मथा हुआ दही रखा था उसी से 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। बनाना अपने आप में मीठा होता है, तो यहाँ पर हम शुगर की मात्रा थोड़ी कम कर देंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर शुगर लिया, और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से देखिए, हमारे यहाँ पर बनाना लस्सी भी बनकर तैयार हो गई। फिर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ी सी दही मुझे गिलास में कम लगी लस्सी, तो मैंने ऊपर से डाल दिया है और गार्निशिंग कर दी है। आप देखिए, हम यहाँ पर रुआबजा लस्सी बनाएंगे। तो उसके लिए फिर मैंने बोल में 1 कप दही ले लिया, और इस पे यहाँ पर हम 2 चम्मच रुआबजा डाल देंगे। रुआबजा अपने आप में ही मीठा होता है, इसलिए यहाँ पर हम 1.5 चम्मच शुगर का यूज़ करेंगे। और सब डालने के बाद अच्छे से मथ लेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, और फ्लेवर बहुत ही इसका गजब रहता है। तो देखिए, इसको भी अच्छे से मथ लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। और इसको, इसके बाद इसको भी हम गिलास में इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिए, गिलास लिया, उसमें हम इस तरीके से पूरे को पलट लेंगे। अब देखिए, इसकी भी थोड़ी सी गार्निशिंग लिए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी। थोड़ी सी मैंने बिल्कुल गाढ़ी दही जो मलाई वाली होती है वो डाल दी है, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रुआबजे उससे इस तरीके से गार्निशिंग कर दिए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर झटपट बनने वाली रुआबजा लस्सी भी बनकर तैयार हो गई। अब आइए, यहाँ पर हम मैंगो लस्सी बना लेते हैं। तो मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने 1 कप मैंगो कटा हुआ लिया, मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। और इसी कप से 1 कप जो मथा हुआ दही था वो ले लिया। और आम अपने आप में मीठा है, लेकिन फिर भी दही के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शुगर लिया है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आम के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो सबको डालकर अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके देखिए, हमारी मैंगो लस्सी भी यहाँ पर बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो गई। बहुत फ्लेवर में अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैंगो छोटे छोटे पीसेस में काट कर ऊपर से डाल दिए हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा इस यहाँ पर रुआबजा इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर मैंगो लस्सी की देखने में ही गजब लग रही है, और साथ ही साथ बहुत अच्छी बनी हुई है। तो तैयार
हो गई। अब बनाते हैं हम केसर पिस्ता लस्सी। इसके लिए 1 कप मैंने दही लिया। केसर को मैंने आधा घंटा दूध में भिगो के रखा था 2 से 3 चम्मच दूध में, और उसमें 6 से 7 धागे केसर के डाल दिए। और आधा घंटा मैंने यहाँ पर पिस्ता को भिगो के रखा था गर्म पानी में, उसको डाल दिया। 6 से 7 पिस्ता काफ़ी हैं। और ऊपर से 2 चम्मच शुगर डाल के अच्छे से ग्राइंड किया, और ये हमारी केसर पिस्ता लस्सी बनकर तैयार हुई। और थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे केसर से, थोड़े से बादाम से, और यहाँ पर थोड़े से काजू से। तो इस तरीके से पूरी गार्निशिंग हो गई। इस तरीके से बाज़ार में भी मिलती है और बहुत अच्छी लगती है। तो आइए, केसर पिस्ता लस्सी तैयार हो गई। अब बनाते हैं हम यहाँ पर चॉकलेट लस्सी। इसके लिए मैंने दूध रख दिया 3 चम्मच उबलने के लिए। उसमें थोड़े से अखरोट काट के डाल दिए हैं, और 1 डेरी मिल्क चॉकलेट उसको यहाँ पर डाल दिया। और डालने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करना है, जिससे ये दूध के साथ बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से स्लो फ्लेम पे अच्छे से दूध और चॉकलेट सब मिक्स हो गया, साथ में थोड़ा सा अखरोट भी हमारा यहाँ पर पक गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर ठंडा करने के लिए छोड़ती हूँ। अब देखिए, ये ठंडा हो चुका है, तो मिक्सर ग्राइंड में मैं इसको डाल दूँगी इस तरीके से सारे को। ये 1 गिलास के लिए इतना काफ़ी है। तो और इसमें यहाँ पर जो बची हुई दही थी सारी मैं यहाँ पर डाल दूँगी, लगभग 1 ही कप दही है, और उसको डाल दिया। और साथ में शुगर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो शुगर की मात्रा मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ली है। डालने के बाद ग्राइंड किया, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर चॉकलेट लस्सी बनकर तैयार हुई इस तरीके से। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने चॉकलेट पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया, जो गार्निशिंग के लिए बहुत सुंदर लगेगा और साथ में स्वाद तो बढ़ाएगा ही। इस तरीके से हमारी यहाँ पर चॉकलेट लस्सी भी बनकर तैयार हो गई। आप बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट लस्सी है, और आप इसको कब कब पीना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, लस्सी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखिएगा। पहली बात, दही हमेशा नॉर्मल लीजिएगा, ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा। साथ ही साथ शुगर हमेशा ग्राइंड करके डालिएगा, तो शुगर मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस फ्लेवर में बना रहे हैं उस फ्लेवर को डाल के अच्छे से मिक्स करना मत भूलिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लस्सी आप भी कभी भी घर पर तैयार कर सकते हैं। बाजार को फेल करने वाली लस्सी तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस गर्मी को इंजॉय करिएगा। तो जल्दी मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।